तो आज ध्यान रखना कैसी बेटी थी कि जो पति गधा बन गया था उसकी पीठ पे हाथ रख के घर से निकल के चल दी। पति का संग नहीं छोड़ा लेकिन बाप की चौकर छोड़ दी। और जब निकल के जा रही है तो हालत क्या थी? अरे दर दर की मांग रही भीख राजा की राज दुलारी। अरे दर दर की मांग रही भीख राजा की राज दुलारी। जाते हैं तो कोई तो भीख डाल देते हैं और कोई कह रही है मतवारी है गई है जा गधा को कान पकड़ने डोल रही है काउ के बासन ना मांजे जाते ए काउ के बासन ही मांज लेता तो गुजर कर लिए। सुन सबकी रही है पर कैत काउ दे और कोई का कह रही है मैं तोई निवाई जाऊं घर को और राख ले हूं देवर को। मैं तो लिवाई जाऊं घर को और राख ले उन देवर को। अरे मेरा काम बने गोती का राजा की राज दुलारी। अरे मेरा काम बने गोती का राजा की राज दुलारी। अरे दर दर की मांग रही भीख राजा की राज दुलारी। अरे हुए खाते हुए वो लड़की उस गधा को संग लेकर के काशी नगर में पहुंची है। काशी तो काशी हमेशा विद्वानों की खान रहा है। तो काशी में जहां काशी नरेश के मजदूर काम करते थे मजदूर उन मजदूरों में भर्ती हो गई है। मिट्टी ढोके लाती थी सिर पे तो श्रोता बंधुओं मिट्टी का पला जब भर के लाती है तब भी गधा की पीठ पे हाथ रखा है। हेलो और लौट के जाती है तब भी गधा की पीठ पे हाथ रखा है। तो सब मजदूर कान में कहते हैं कि जी लड़की पागल है गई है। अब जब मिट्टी है जी खुद ढो रही है और ताई गधा पे ना दस सकते पर सुन सब की रही है कैद का होती नहीं। ध्यान रखना जब काशी नरेश आए एक दिन और सामने होकर के निकले तो लड़की का पला रखा हुआ था भरा हुआ मिट्टी का और गधा के हाथ पर हाथ रखी थी। तो राजा बोले कि ए बेटी खड़ी हो जाओ बेटा एक बात बताओ हम यहां के राजा हैं इसलिए तुमसे पूछ रहे हैं कि जब गधा के ऊपर तुम हाथ रख के जाती हो तो तुम जब मिट्टी को क्यों नहीं रखती गधा के ऊपर। सही खड़ी हो गई हाथ चल महाराज ये गधा नहीं है ये मेरे लिए बरना बन के आए थे अयोध्या से। कोई ऐसा इनका कर्म बिगड़ गया जिस कर्म के बिगड़ने से इनका यह गधा का रूप बनाए तो महाराज मैं अपना समय काट रही हूं आप नरेश हैं मैं तुम्हारे मजदूरों में काम कर रही हूं महाराज इससे ज्यादा नहीं जानती ना।
राजा ने विचार किया अगर लड़की को पति गधा बनवाए तो बेटी पला को रख दो यहीं और चलो मेरे साथ। तो उस लड़की को और गधा को लेकर के महाराज जब अपने चौक में आए तो काशी नरेश ने सब विद्वानों को इकट्ठा किया जितने ज्योतिषी थे काशी में और सबसे कह दिया कि सब ज्योतिषी एक मत आधार होकर के बताओ कैसे लड़की का पति जो गधा बनाए वो मनुष्य कैसे बनेगा। सब ज्योतिषी गणित लगा रहे हैं और सबने सलाह विचार करके बताया महाराज हमारा ज्योतिष का गणित बता रहा है कि 100 पतिव्रता नारी धर्म का पालन करने वाली 100 नारी अपने पति के ऊपर लोटा उतार के और जब गधा के ऊपर डाल दें तो ये मनुष्य हो जाएगा। तो राजा के हुक्म में और परमात्मा के हुक्म में देर नहीं होती। राजा ने आदेश कर दिया काशीनगर में कि जो जो नित्य नियम पूजा अर्चना पति धर्म का पालन करती है वे सब अपने अपने घर से लोटा लाए। तो सब नारी लोटा भर भर के ला रही हैं सोता बंधु और अपने पति धर्म का नेह निभाकर उस गधा को बीच चौक में खड़ा कर दिया। बीच चौक में सोता बंधु हालत क्या रही और लोटा भर के जब नारी लाई हैं उस बीच चौक में तो आई कितनी है कैसे। अरे घर में नारी खड़ी भाई और लोटा भर के लाती है अरे चौक में नारी खड़ी भाई और लोटा भर के लाती है और साजन कूपे थान लहो तब मत के शीशा घुमाती है अपने अपने पति के ऊपर लोटा घुमा के तब लाइन लगी है और जब लाइन लगी है काशी में और बीज चौक में गधा खड़ा कर दिया था तब पर चेहरा पे लोटा डारो सोई सकल बदलती जाती है अरे लोटा चढ़ रहे गधा नारियां लंबी लाइन लग गई है लोटा भर भर के पतिव्रत धर्म का पालन करती हुई लोटा को ढाल रही हैं। याद रखना पहला लोटा डाला कहां से मुंह पे से गधा के मुंह पे से जब लोटा पड़ा तो जितना पानी गिरता गया उतनी मनुष्य की काया बनती हुई लोटा चढ़े गए और नभे चढ़ गए चढ़ गए 99 एक लोटा की कमी रही एक नारी की कमी रह गई और शरीर पूरा मनुष्य का बन गया एक गधा की पूंछ। अब राजा ने कही एक नारी और नहीं है कोई जो एक लोटा और ढाल ले रहे तो पूरा ही शरीर सही रह जाए अब कोई नहीं। जब कोई नहीं आगे आया तो राजा ने अपने मंत्री से कहा पता करके आओ कोई एक नारी लोटा भर के और चढ़ा दे। सोता बंधु अरे मानुष की सब देह भाई और रूप बनो आज बड़ा कोए अरे मंत्री घूमत टोल रहो एक द्वार बनो बेहतर कोए नगर के बाहर ध्यान रखना एक मेहतर का दरवाजा था मेहतर का और तो काल ने हामी नहीं भरी
लेकिन बा मेहतरानी ने कही है कि महाराज मैं धर्म का पालन करती हूं, पर मेरा एक नियम है कि मैं और के पति पे अपना लोटा नहीं चढ़ाऊं, नहीं चढ़ाऊं। तो जैसे मंत्री ने जवाब दिया कि महाराज एक नारी है तो सही पर मेहतर के घर में, तो राजा खुद चल के गए खुद। और तब कही मेहतरानी से कि राजनगर की बात बिगड़ रही है, तुम मेरी बात की खातिर एक लोटा भर के चढ़ा दो उस गधा के पूछ, तो वो पूछ मिट जाएगी। तो मेहतरानी बोली महाराज पहले तो ये बताओ बे हैं कौन। क्या बे अयोध्या नरेश त्रिबंधन महाराज के पुत्र हैं त्रिशंकु। तो महाराज पहले मेरी दो बात करवा दो उनसे, चलो आ जाओ। राजन करवाओ पहले मैं चल रही हूं और पहले उस राजा से मेरी बात करवा दो तब लोटा डालूंगी। सोता बंधु जिस समय मेहतरानी आई है और तब कही सुख कौन सा है सबसे बड़ा, सबसे बड़ा सुख कौन सा है, ये लिख रहे हैं हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में। क्या पहला सुख निरोगी काया, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख हो तेरा नारी, और चौथे सुख सुत आज्ञा, क्या रखना पहला सुख निरोगी काया, माया का सुख दूसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे पहला सुख क्या है, शरीर निरोग हो। है आप अच्छा, और शीतल भाई साहब कमेटी की तरफ से जो इस मंदिर पे श्रीमद् भागवत कथा की जो कमेटी है उसकी तरफ से 1100 रुपये का सम्मान हमें दिया है व्यासपीठ के माध्यम से, और 10-10 रुपये हमारे सभी शास्त्री मंडल को दिए हैं। हम चाहते हैं ऐसे आश्रमों पर शास्त्री मंडल जितने भी हैं उनके कदम पड़ते रहें और आशीर्वाद हमेशा संतों का मिलता रहे। क्यों, देखो रामचरितमानस में लिखा है कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, और संत मिलन सम सुख जग नाही। कितनी बढ़िया बात लिखी, गरीबी के समान तो दुनिया में कोई दुख नहीं है और संत के मिलन के समान दुनिया में कोई सुख नहीं है। राजन परीक्षित, अब एक लोटा की कमी थी और सामने मेहतरानी खड़ी है। महाराज सुनो, ये लड़की जो तुम्हारे बराबर में खड़ी है ये तुम्हारी पत्नी है। त्रिशंकु महाराज बोले मेरी पत्नी है, तो एक लोटा की कमी रह गई है तुम्हारे शरीर में, तुम्हारा लोटा तो नहीं डालूंगी, तुम्हारे इस पूंछ पे पानी की बूंद गिन गिन के डालूंगी, और जिस समय पूंछ खत्म हो जाएगी उसी समय पानी डालना बंद कर दूंगी। तो ध्यान रखना, पर पानी की बूंद डालूंगी कब, मेहतरानी मांग रही है त्रिशंकु पे, मांगा क्या, जाबरनी घर कूले जावे, जाबरनी घर कूले जावे,
जो बेटा है जावे जितनी बूंद पानी चढ़ी जावे चल के जाई काशी में आवे और उतने इतना पानी भर जावे। बोलिया सच्चिदानंद भगवान जी ध्यान रखना क्या मांगा मेहतरानी ने महाराज पानी की बूंद गिन गिन के डालूंगी और जितनी बूंद पानी की चढ़ जाए उतने ही दिन जा तुम्हारी रानी के जो बेटा पैदा हो वो मेरे घर पे एक एक बूंद के बदले में एक एक दिन पानी बच जाए ये मांग रही है महतरानी। क्या अरे तति पाप को बचन निभाओ हो और ताई तिहरी चलू ध्यान रखना। वो पिता त्रिशंकु महाराज वचन दे के आए थे क्या मेरी संतान तुम्हारे घर पर एक एक बूंद के बदले में एक एक दिन पानी भरेगी। वो वचन महाराज हरिश्चंद्र ने पूरा किया था। ये तो कारण था राजन के मेहतर के घर पर 30 दिन पानी भरा।